health chapter for class 12. Welcome to online classes SBPS. And today's topic is STDs. तो कल हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था एंड उसका एग्जांपल भी दिया था एड्स. तो एड्स में एक वायरस था जिसका नाम HIV बताया था. वो कहां से बिलोंग करता? HIV के अंदर राइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता, RNA, ठीक है, उसके अंदर DNA नहीं होता है. एंड ये रिट्रोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है. जो HIV है वो रिट्रोवायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, क्लियर. एंड इसके सिम्टम जो एड्स डे होता ना, एड्स डे ऑन फर्स्ट दिसंबर को हम लोग एड्स डे मनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एड्स डे, क्लियर. एंड सेकेंड हमने बताया था हाइपेटाइटिस बी. हाइपेटाइटिस बी इसमें जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है, बट इन हेपेटाइटिस बी में डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, क्लियर. एंड इसके लिए HBB ये एक वायरस है. हाइपेटाइटिस बी वायरस इस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपेटाइटिस बी वायरस, क्लियर. एंड इसके सिम्टम्स, जब भी ये डिसीज हो तो हमारी बॉडी में कौन से सिम्टम्स हो करेगा? फर्स्ट, इंक्रीज द बाइल पिगमेंट, ये बाइल पिगमेंट को इंक्रीज कर देगा. एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कैसी वॉमिटिंग होगी? नौसी, ठीक है. एंड थर्ड इज आर्थराइटिस, वीकनेस एंड फैटिग, क्लियर. तो अगर हेपेटाइटिस बी डिसीज होगी, देखो एड्स जो था वो कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है, केवल ये एसटीडीज में नहीं आता, ठीक है. अगर किसी इंजेक्शन को, यानी कि जो नीडल होती है, वो नीडल अगर एक बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इंटर की जाए तो भी ये एड्स की कंडीशन हो सकती है, एड्स हो सकता है. एंड जब भी ब्लड बैंक, ब्लड टेस्ट, ब्लड, किसी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है, तो एक इन्फेक्टेड बॉडी से अगर किसी नॉर्मल बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, तो एड्स हो सकता है. जिस अगर किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि आपको जो ब्लड में पार्टनर है ना, अगर उसको ब्लड शेयरिंग में जो पार्टनर था उसको अगर ब्लड एड्स की बीमारी है, ठीक है, ये डिसीज है, क्लियर, तो क्या होगा कि जो ब्लड आप ले रहे हो, ठीक है, जो ब्लड आप ले रहे हो उससे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जरूर पहुंचेंगे, क्लियर. तो ये भी दो ऐसे तरीके, केवल ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही नहीं हो सकती है. कौन कौन से दो हो सकते हैं? नीडल हो सकती है, नीडल के थ्रू हो सकता, मतलब किसी नीडल को प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए, ठीक है, हमेशा एक नई नीडल यूज करना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, फर्स्ट इज दिस. एंड सेकेंड इज दिस कि जब भी हमें ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोरेज किया जाता है, पहली बात तो ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोरेज, उसको सैनिटाइज एंड उसको ऐसी कंडीशंस में स्टोरेज करना चाहिए था, ऐसी कंडीशंस में, एंड उसका कंटिन्यू टेस्ट भी करना चाहिए, ठीक है, या फिर जिस पर्सन का हम ब्लड ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, मतलब वो अगर नॉर्मल पर्सन है विदाउट डिसीजेस तो ठीक है, अगर उसके अंदर डिसीजेस है जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है तो नॉर्मल सी बात है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचेंगी, ठीक है, तो उनसे बचाव के भी ये तरीके. एंड अगर सेक्सुअली कॉन्टेक्ट की वजह से हो रहा है तो मल्टीपल कॉन्टेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है. एंड अब बात करते हैं जो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी में था, तो ये इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता, तो नॉर्मल सी बात है जब भी कोई DNA, यानी कि DNA रोल करे, ठीक है, DNA RNA में कन्वर्ट करता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. एंड जब RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, क्लियर. जब DNA से RNA बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA से जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन.
हमने क्या देखा था हेपेटाइटिस बी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, हमारे जो वाइट पिगमेंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये हेपेटाइटिस बी के बारे में क्लियर। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जितनी भी एसटीडीज होती है वो वायरस सबसे ज्यादा जो डिसीज फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है उसका एक ही रीजन होता है वायरस। ठीक है, तो इनमें से जितनी भी हमने कल कॉमन डिसीजेस बताई थी ना तो उसमें सब में कॉमन वायरस ही था। क्लियर, तो नेक्स्ट डिसीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।